मैं बनाने लगी हूँ दलिया, वेज दलिया, मिक्स वेज दलिया। थोड़ी सी गाजर, थोड़ी शिमला मिर्च, थोड़ी मटर, थोड़ी बीन्स की वो काट के मैंने धो दिया। और एक प्याज मैंने कर लिया है, एक टमाटर डालूंगी और दलिया मैंने ये थोड़ा सा इनके लिए भी धो दिया है, मतलब धो के अच्छे से वॉश कर दिया है। और अब मैं बनाने लगी दलिया नाश्ते में। ये कह रही थी कि आज मेरे को दलिया खाना है। ये देखिए भैया ने कितना सारा साफ कर दिया, उखाड़ तो दिया सारा, बस अब घास जो है झाड़ झाड़ के एक जगह डाल रहे हैं, जब सूख जाएगा तब आग लगा देंगे। कपड़े मैंने धो दिए हैं, सूख भी गए हैं, बस अब थोड़ी देर में उतार लूँगी। बहुत अच्छी सफाई करते हैं। अब मैं फिर ना काम वाली जो आती है मेरी, उससे मैं यहाँ पे झाड़ू लगवा दूँगी अच्छे से। अब बाहर की साइड से रह गया थोड़ा, उधर मंदिर वाली गली से रह गया घास, भैया कहते कल कर दूंगा। आज तो ये घास बस इस ढेर पे सारा फेंक के जाएंगे और फिर कल तक सूख जाएगा, तो या तो दिन में सूख जाएगा, शाम को आग लगा दूंगी। तो सफाई हो गई है यहाँ से। अब 2 महीने शायद गर्मी रहती है ना, तो इतनी जल्दी घास होगा नहीं, पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे बहुत जल्दी घास हो जाता है। ये हमको ध्रुव ने उतार दिया था और वहाँ से आगे हमने फिर ई रिक्शा कर लिया है। ई रिक्शे पे हम जा रहे हैं मार्केट में, मैं और दिया। और यहाँ पे ना मतलब हरिद्वार में ही DIY मार्ट खुला है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें, छोटी छोटी सारी चीज़ें मिलती हैं, हर एक चीज़ मिल जाती है वहाँ पर। तो हमने सोचा कि चलो आए हैं तो वहाँ भी थोड़ा एक चक्कर लगा के आते हैं, कुछ सामान ले लेंगे। ये देखिए सब चीज़ें मिलती हैं किचन से रिलेटेड, और मतलब ये गमले वमलों का सामान जो होता है घर में, पॉट कोई अच्छे से रखने के लिए, किचन का हो गया, बैग वैग हो गए, क्रॉकरी हो गई। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलता है। तो बस वहाँ जाओ तो दिल करता है ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन उठा के लाने की भी बड़ी समस्या है। ये देखिए देख रही हूँ मैं इधर उधर क्या लूँ क्या ना लूँ। संडे का दिन था, संडे वाले दिन काफी लोग आ जाते हैं, भीड़ रहती है। ये बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे यहाँ पे, ये मैं देख रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ। फिर हम आगे आ गए थे, दिया कहती मम्मी भूख लगी है तो बर्गर किंग है वहाँ पे, हम आ गए थे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था, मैंने हॉट कॉफ़ी ली, दिया ने कोल्ड कॉफ़ी ली, और दिया ने बर्गर लिया और मैंने फ्रेंच फ्राइज लिए साथ में। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने पेट पूजा कर ली, फिर आ गए हम, और कुछ सामान देखना था फिर हम वहाँ चले गए। धूप भी इतनी तेज थी, लेकिन क्या करें, जो काम होते हैं वो भी करने ही पड़ते हैं, जाना ही पड़ता है। ये देखो आम मुझे दिख गए, ताजे ताजे आम अच्छे, और मैंने सोचा चलो आम ही ले लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ आम ले लिए, कभी कभी खट्टे भी आते हैं, कभी कभी मीठे भी आते हैं। अब हम जूस पीने आए हैं। अब हम जूस पीने गर्मी में जाना है कि पूछो मत, जगह बहुत परेशान हो गया, तो ये कहते मम्मी जूस पी लेते हैं, तो अब हमने बनवाया मिक्स जूस। हाँ जी, तो मैं मार्केट गई थी ना अभी, दिया के साथ कुछ काम था, उधर से पापा जी से मिलते हुए गए, और आगे हमारे मतलब मेरे जेठ ही हैं भैया हमारे, तो उनको भी उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी थी, तो मैंने कहा उनको भी दे पाऊंगी। और फिर दिया ने थोड़ा सा अपना डायमंड वाली स्टेशन की शॉप पे काम था, और आगे थोड़ा सा चले गए थे हम, एक तो टेलर के पास जाना था सूट देने थे, और एक मैंने ये ले लिया ये पायजामा, ठीक है, और एक ये मैंने लिया है
कप सा, इसमें मैंने मतलब सजाने के पर्पज से लिया है, मैंने डेकोरेटिव डेकोरेशन के मतलब हिसाब से। और दो ये हैं, और इनमें तुम रात को मतलब जैसे किशमिश वाला या सौंफ वाला पानी भर के रख सकते हो अपने बेड के पास, सुबह उठते ही पी लो। ये इसमें देखो ढक्कन भी लगा हुआ है, बिल्कुल बंद करते किशमिश रख दो, सौंफ वाला पानी, जीरा पानी, जो भी मतलब आप कर सकते हो। ये मैं दो लाई हूँ, एक दिया का और एक अपना। और एक देखो हांडिया सी कितनी प्यारी, जैसे आइसक्रीम आपने जमाई, खीर रखी फ्रिज में ठंडी करने के लिए रख दी और फिर सर्व करी, बड़ी प्यारी सी मुझे लगी तो मैंने ले ली। ठीक ये है आर्टिफिशियल प्लांट, इसमें नीचे पत्थर से पड़े हैं। और ये है मैंने सजाने के हिसाब से लिया फ्लावर, और ये मैंने पत्थर ले लिए छोटे छोटे स्टोन। और एक ये सैशे था वहाँ पे, मतलब सैंडल की सैंडल वुड का चंदन की खुशबू वाला है, बहुत अच्छा, चाहे आप रूम में टांग दो, बाथरूम में टांग सकते हो, कहीं भी उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जिस बैग में लेके आए हैं उस बैग में पूरे खुशबू ही खुशबू हो रखी है। तो ये थोड़ा सा सामान था, मैंने कहा आप दिल नहीं लगता कि जब तक आपको दिखाऊँ ना कोई चीज़ जैसे लाई हूँ, तो इसलिए मैंने आप सबको दिखा दिया। गर्मी इतनी इतनी कि पूछो मत, घर पहुँचे हैं तो चैन आया है कि भाई चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे शाम को देखती हूँ मिलती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने जो मैं ये कप सा लाई थी, ये मैंने इसमें ये फ्लावर्स लगा के यहाँ पे रख दिया है। और ये जो कंटेनर था इसमें ये टोफी में फिल करके, वैसे मेरे पास मेरे भतीजे भतीजियाँ पास में ही घर है मेरे रहते हैं, तो वो आते रहते हैं, तो बस सोनिया बुआ करते रहते हैं, तो फिर वो आते हैं तो मैं उन्हें कुछ चॉकलेट टॉफी हमेशा रखती हूँ कुछ ना कुछ, तो उनको देती रहती हूँ। तो मैं फिर ये लेके आके मैंने ये फिल कर दिया है, टॉफी का पैकेट मैं ले आई थी, ख़त्म थी मेरी टॉफियाँ, बच्चों के लिए रखती हूँ मैं हमेशा, और फिर मैंने ये फिल कर देती है। वो आते हैं ना तो मैं उनको देती हूँ, खुश हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ रख दिए हैं, यहाँ पर देखिए, और ये भी मैं लाई थी, इसका भी कुछ करूँगी। और ये देखिए कितना छोटू सा, अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ रख रही हूँ, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और ऐसे देखते हैं अभी कहाँ कहाँ सेट करेंगे, अभी तो मैंने यहीं रख दिया है। बहुत प्यारा सा है देखिए, ये भी बड़ा प्यारा सा, अभी इसका टैग भी उतारना है, मैं कैंची से कट करूँगी। ठीक है, और या तो इसको कहीं और रखूँगी, अभी मैंने फ़िलहाल यहीं रख दिया है। चलिए अब मैंने देखती हूँ और क्या। और देखिए मैं ये बताना बोल, एक ये लेके आई थी मैं अचार, मेरा ना मिक्स वाला ख़त्म हो गया था वो था, लेकिन टॉप्स का। और ये है, ये किसका था दिया, नीलॉन्स का, गांधी गांधी का है ये, पंजाबी मिक्स पिकल अचार छेरंगा मिक्स है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था, मैं ले आई, वो कहते भैया मैंने तो उसका ही मांगा था टॉप्स का, लेकिन वो कहते एक बार ये टेस्ट करके देखो। अच्छा, रखने की देर है, और दिया जी ने उठा लिया टॉफी का डिब्बा। और ये लाई थी मैं स्क्वैश, ये तो वैसे मम्मी ने मंगवाई थी मेरे से, मेरी मम्मी ने। और ये बिस्किट का पैकेट ले आई थी, तो मैंने रख दी है चाय, चाय बन रही है मेरी, मतलब अभी तो पानी रखा है, बन क्या रही है, बना रही हूँ। 6 बजे का टाइम, 6 बजने वाले हैं, तो मैंने सोचा आप चाय बना लेते हैं। गर्मी इतनी थी आज हद से ज़्यादा, कपड़े उतार के लाई, प्रेस वाले अलग करके रखे, और उसके जो वैसे हैं वो तह लगा दिए, सब की अलमारियों में शिफ्ट कर दिए, कपड़ों को पहुंचा दिया सब की अलमारियों में। ठीक है, और अब रह गया काम मेरा, सॉरी एक मिनट, अब रह गया क्या करना, आज बनेगा क्या ये सोचना। ये लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है कि बनाएं क्या, बनाने के लिए सोचते रहो कि क्या बनेगा, और फिर जो है आज क्या बनाऊँ। आलू भी ख़त्म है, नहीं तो हल्के हल्के तरी वाले आलू बना लेती, वो भी ख़त्म है, वो नहीं बन सकते।
दही पड़ा है या तो कढ़ी बना लेती हूँ, थोड़ी सी कढ़ी आलू प्याज डाल के और कढ़ी बना लेती हूँ। उसके साथ फिर बनाऊंगी रोटी, चावल चुवल कुछ नहीं बनेंगे, चावल रात को बन गए थे दाल के साथ। ओहो, दाल भी रखी हुई है, दाल भी है, उड़द और राजमा वाली, साथ में बन जाएगी कढ़ी। देखते हैं, अभी पक्का नहीं है कि कढ़ी बनेगी या क्या होगा। पहले मैं चाय पी लूँ, पेट्रोल डाल लूँ अपने अंदर, पेट्रोल के बिना कोई एनर्जी नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, सुबह और शाम की चाय पक्का है, पक्का है, पक्का है, वो तो पीनी ही पीनी है। बाकी जो है अब आगे का जैसा होगा बताती हूँ आपको। चाय बन रही है, ये देख लीजिए आप। मैंने इसमें ही रख दी, आप सोचोगे कि फ्राई पैन में नहीं रखी, थोड़ी होती है तो मैं इसमें भी बना लेती हूँ। पत्ती डाल दी है, चीनी दूध डालने के बाद डालनी चाहिए। चीनी पहले डाल दो तो शुगर सिरप जैसी हो जाती है, अलग सा मीठापन हो जाता है। चीनी हमेशा दूध डालने के बाद, जब उबाल आ जाए उसके बाद आप चीनी डालो। ये अच्छी चाय के गुण है। किसके गुण है? अच्छी चाय के। अभी मैंने डाला नहीं है कुछ भी इसमें, अदरक डालूं या इलायची डालूं देखती हूँ। तो चलो चाय पी लेते हैं, बन जाएगा। चाय आ गई है मेरी, चाय पी रहे हैं। गर्मी में गर्मी को गर्मी मारेगी, तो चाय तैयार हो गई थी, मैं लेके आ गई हूँ। और बस आज का ब्लॉग मैं यही ऐड करती हूँ, कल मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। और मेरे अब ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।